इस वक्त हम मौजूद हैं भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में, जहां नाटा फाउंडेशन द्वारा व मारवाड़ समाज द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि लगातार FM 24 व अनेकों सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस तरह के सफाई अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाटा फाउंडेशन व मारवाड़ समाज के कार्यकर्ताओं व लोगों द्वारा सड़क पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को गंदगी ना फैलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सफाई कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है, भिवाड़ी में लगातार जहाँ गंदगी फैली हुई है वहाँ सामाजिक संस्थाएं सफाई अभियान चलाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर रही हैं। लगातार लोगों की अपील वे सफाई को लेकर लोगों का कॉल FM 24 के माध्यम से आ रहे हैं, तो उसी को लेकर मारवाड़ समाज व नाटा फाउंडेशन द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो नाटा फाउंडेशन है वो लगातार शहर को स्वस्थ बनाने के लिए अभियान चला रहा है। वहीं नाटा फाउंडेशन व मारवाड़ समाज की मुहिम है कि शहर को स्वस्थ व स्वच्छ बनाने के लिए यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाटा फाउंडेशन व मारवाड़ समाज के लोग, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, सारे इंतजाम आते हैं, बहुत है, दस्ताने भी है, बहुत है। देखो ना, सारा देखो आप यार, मेरी कमाई यहाँ पड़ी है। हमारा कहने का मतलब ये की डॉक्टर साहब वहाँ जाके कहे अपने एसोसिएशन में ये चीजें मिली है वहाँ पे। देखो बिल्कुल प्रशासन प्रशासन क्यों उठ रही है बोलो, यहाँ पे यहाँ देखो पीछे सर। ये अमित जी, राजवीर जी और हमारे सब लोग ने पहले से ही कई दिनों से ये प्लान में था कि भिवाड़ी को स्वच्छ रखें। उसमें बाईपास के बाद में यहाँ पर अभी ये सफाई अभियान हमारे द्वारा किया जा रहा है और आसपास के सभी दुकानदारों को बताया जा रहा है कि फ्यूचर में आज हम सफाई करके जा रहे हैं तो फ्यूचर में आप ध्यान रखो और भिवाड़ी को क्लीन और ग्रीन भिवाड़ी बनाओ ताकि हम सभी स्वस्थ रहे। ये हमारे मारवाड़ी समाज की सभी से प्रार्थना है और इसमें सभी का हम सहयोग चाहते हैं कि सभी मिलकर आसपास और जहाँ पर भी लगे नगर पालिका का सहयोग करें, सभी का आपस में सहयोग करें और ग्रीन और क्लीन भिवाड़ी को बनाने में हमारा सहायता करें। थैंक यू। क्या कहेंगे जिस तरह से मारवाड़ी समाज ने आज सफाई अभियान चला रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि निज प्रशासन फिर अनुशासन। निश्चित रूप से ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कचरा, ये वो लोग कचरा फैलाने में लगे हुए हैं जो यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए केवल आते हैं, केवल यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं और ले जाते हैं। उनका बिल्कुल ही यहाँ पर कोई मतलब नहीं किसी भी तरह के डेवलपमेंट से। हर जाना इसका हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों को भुगतना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये जो दुकानदार है सेंट्रल मार्केट के या आसपास में जो हॉस्पिटल है वो अगर खुद अवेयरनेस होकर के खुद अपने आप पर कंट्रोल कर लें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करके कचरा ऐसा मिला है उन लोगों का मिला है जो स्वस्थ करने के लिए अपनी दुकानें खोल रखी है और उन्हीं की वजह से ही बीमारियाँ फैल रही है समाज में। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि निज प्रशासन फिर अनुशासन, हम अपने आप पर कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पर नगर परिषद द्वारा फ्री में टिपर डोर टू डोर भेजी जा रही है, मार्केट में भी खूब आ रही है। क्यों नहीं हम सब उसमें टिपर का उपयोग करें, क्यों नहीं अब उसमें कचरा डालें, वनस्पत इसके कि किसी पार्क के सामने डालें या किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास में डालें, इससे तो बीमारियां फैलेगी और बीमारियां किसी जाति धर्म या कोई विशेष आदमी को नहीं आती है, जो भी उधर से गुजरता है सबको आती है। इसलिए मेरा सभी से मारवाड़ी समाज फाउंडेशन ट्रस्ट भिवाड़ी की ओर से आप सभी से निवेदन है कि कचरा यथास्थान पर डालें और जैसे ही टिपर आता है नगर परिषद का उसके अंदर ही डालें। क्लीन भिवाड़ी, स्वस्थ भिवाड़ी का सपना हमारा तभी साकार होगा। थैंक यू।
स्वच्छता अभियान है मारवाड़ी समाज की तरफ से, ये वाकई भिवाड़ी की साफ सुथरी रखने के लिए बहुत अच्छा अभियान है और अमित नाहटा जी के द्वारा किए गए प्रयास वाकई बहुत सराहनीय है। जगह जगह पहले भी मैं इनको देखता रहा हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में जो सभी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसमें नाहटा जी का योगदान जो है भिवाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार है और मैं उनके लिए इसको बधाई देता हूँ। और यहाँ के नगरवासियों को भी ये सोचना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गंदगी नहीं फैलाएं और जितनी भी कचरा और गंदगी है वो ऐसे स्थान पर डालें जहाँ पर कि उनकी निश्चित जगह, हर जगह फेंकने से सफाई की वजह से बहुत ही गंदगी फैलने से बीमारियों का भी जो है सबसे ज़्यादा फैलने का डर रहता है। बीमारियों से बचने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए गंदगी और सफाई को रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अटल जी को, उनके फाउंडेशन के लिए और मारवाड़ी समाज के। थैंक यू। जो आपने नाटा फाउंडेशन और मारवाड़ी समाज के नेतृत्व में ये सफाई का अभियान चलाया, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाली सिर्फ अच्छा खाना नहीं होता है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। घर में तो हम सफाई करते हैं लेकिन जो बाहर हम कचरा फैलाते हैं वो अल्टीमेटली जर्म्स बन के हमारी घरों में आता है, तो उसके लिए हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए और अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखानी चाहिए कि बेटा डस्टबिन में जो कचरा जहाँ डालना है वहीं डालें। अगर हम ये सब करने लग जाएँ तो ये आज जो कचरा फैला हुआ है उसे उठाने के लिए ऐसे ट्रस्टों को नहीं आना पड़ेगा। थैंक यू अर्षद जी, आपके जो वार्ड में नाटा फाउंडेशन और मारवाड़ी समाज ने सफाई का अभियान चलाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में और ये कब तक आपकी नेतृत्व में चलेगा और कैसे रहेगा? जी, सर्वप्रथम मैं नाहटा फाउंडेशन, अमित नाहटा हमारे पार्षद जी, मारवाड़ी समाज फाउंडेशन के सभी मेम्बर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ जो उन्होंने इस वार्ड को चुना साफ सफाई के लिए, यहाँ से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, पहले भी किया है लेकिन यहाँ से शुरुआत की। मैं ये बताना चाहूँगा जैसे कि होली से पहले नगर परिषद में लेबर भी थी, काम भी सुचारू रूप से हो रहा था लेकिन होली के बाद से टेंडर नहीं है, सफाई लेबर नहीं है कोई भी, इस वजह से सफाई में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और पूरे मार्केट वालों की नाहटा फाउंडेशन ने सुनी, पार्षद जी ने सुन करके और यहाँ इनिशिएटिव लेके काम कराया। जैसा कि आपको मालूम है जगह जगह पर नगर परिषद के जो खाली भूमि पड़ी है वहाँ पर कचरा डलता है, इसी वजह से ये यहाँ गंद जमा हुई पड़ी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाउसिंग बोर्ड से कि जो ये आपकी खाली भूमि पड़ी है इसकी आप चार दीवारी करें और यहाँ नगर परिषद से टाइल का टेंडर हो चुका है, यहाँ बहुत ही जल्द इंटरलॉकिंग टाइल लगने वाली है और नाला बनने वाला है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में ये जगह हमें बहुत ही साफ़ सुथरी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जिस तरह से अभी साफ़ सफाई हो चुकी है तो आप इस मेंटेन करने के लिए किस तरह से आप कदम उठाएंगे, लोगों को क्या अवेयर करेंगे यहाँ पर कचरा न डालें? मैं लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा किसी भी एक जगह पर डंपिंग यार्ड उसको समझ करके कचरा डालना बिल्कुल सरासर गलत है। जो ऑटो टिपर आते सभी कचरा उसी में डालें, अगर ऑटो टिपर कभी एक दो दिन नहीं भी आ रहे तो अपने कचरे को घर पर ही डस्टबिन में रखें और ऑटो टिपर जिस दिन आए उसी दिन उसमें डालें तो हमारा शहर स्वच्छ होगा और साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार जी, जैसा कि आपको मालूम है आज नाहटा फाउंडेशन और मारवाड़ी समाज ने शुरुआत की है सफाई के लिए, नगर परिषद से बहुत बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया है लेकिन उस पर धरातल पर कुछ नज़र नहीं आया। तो सामाजिक संस्थाएँ जो है जैसे नाहटा फाउंडेशन, तो हम लोगों ने आगे बढ़ करके उसको ठीक है कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे, बट आप लोग उसको इस चीज़ को उनको जागरूकता फैले, लोगों समझ में आए और समाज में एक ऐसा मैसेज आए कि एक सामाजिक संस्थाएँ भी आगे बढ़ करके आ रही हैं। पूरा सेंट्रल मार्केट के कल शाम को हम लोगों ने यहाँ पर सबको जागरूकता के रूप में पॉम्पलेट भी दिए, सबको समझाया कि हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, आज ये हमने पहला स्थान चुना है, आगे भिवाड़ी में जगह जगह और भी स्थानों को चुनेंगे और जाके सफाई करके उनको दिखाएंगे कि अगर जागरूक फाउंडेशंस, अगर समाज जागरूक हो जाए तो सफाई क्या बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट हो सकती है और हम सहयोग कर सकते हैं। तो नगर परिषद के सभी अधिकारियों से मेरा ये अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि वो लोग आएँ और इस चीज़ को देखें कि वाकई क्या समस्या है। मैं देखता हूँ ग्रीन एंड क्लीन भिवाड़ी ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस पढ़ते हैं लोग, बस हाईलाइट करके छोड़ देते हैं, बट आज जो सफाई के लिए जो पूरा भिवाड़ी में मैसेज फैलाया गया था
कि हम लोग इसको सफाई अभियान को आगे बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। विपक्ष भी, भाजपा का विपक्ष भी, उन्होंने अल्टीमेटम एक हफ्ते का दिया है, उनको भी इन्फॉर्मेशन गई थी कल हम लोग, लेकिन उनका कोई भी सदस्य यहाँ पर आया नहीं है और हमें नज़र नहीं आ रहा है। भाई सिर्फ सुर्खियों में रहने से काम नहीं होता है, धरातल पे आके आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। और हमारी उनसे रिक्वेस्ट ही है कि हम उसको अदरवाइज मत लें, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसमें अगर सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं तो आप उनको आकर के कम से कम हौसला अफजाई करें, सहयोग करें। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी और आगे साफ सफाई का हम लोग ध्यान रखेंगे। यही नाटा फाउंडेशन चाहता है और कुछ नहीं चाहता, हमें कुछ नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नाटा फाउंडेशन और मारवाड़ी समाज इसको करके दिखाने के लिए आगे आया है। धन्यवाद। मैं के एल जालान, मारवाड़ी समाज उपाध्यक्ष। मैं आज जो ये अभियान चलाया गया है सफाई का, मैं कहूँगा कि इसमें नगर पालिका के साथ साथ नगर परिषद के साथ साथ आमजन को भी सावधान होना पड़ेगा, उसमें अपना सहभागिता निभानी पड़ेगी। सिर्फ अपन ये कहें कि नगर परिषद ये काम करे वो भी कहना गलत होगा, जब तक हम अब खुद स्वयं एक एक जन जन जागृत नहीं होगा कि भाई हमें आम जगह पे कचरा नहीं डालना है, तो ये जब भावनाएं हर इंसान में, जब इस तरह के विचार हर इंसान में आएगी तो मुझे नहीं लगता कि ये डंपिंग जो इतने टाइम से जो यहाँ हुआ है वो इकट्ठा होगा। नंबर दो, मेरा नगर परिषद से ये भी एक विनती रहेगा कि नगर परिषद में इतने अधिकारी हैं, इतने पद बने हुए हैं, वो कम से कम हफ्ते में एक दिन पूरा इलाके में विजिट करें और एक उस जगह को चिन्हित करें जो मेन बाज़ार से लगा हुआ है। ये हमारा भिवाड़ी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जो ये पूरी पहचान बताता है कि भिवाड़ी कैसा है। तो मेरा ये कहना है कि वो अधिकारी भी इस चीज़ को खुद देखें और इस तरह के एक्शन को ले। अगर उनसे ये चीज़ नहीं होता है तो समाज यहाँ भिवाड़ी में कम से कम 150 समाज है जो इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहता है। तो आज उसी तरह मारवाड़ी समाज ने स्वयं ने इस चीज़ को बढ़ चढ़ के आगे काम करने की कोशिश की है और आगे भी हमारा ये उम्मीद है कि हम इस तरह के एक्शन लेंगे और उसमें हम नगर परिषद के भी सहयोग लेंगे जो आज हमें मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। सर, जो नाटा फाउंडेशन और मारवाड़ी समाज ने जो ये अभियान चलाया है साफ सफाई का, तो किस तरह से आप इसको कायम रखेंगे या सीमित समय तक ये इसी जगह के रहेगा? देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया आज का साफ सफाई का और पोल्यूशन को लेके जो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम क्या है कि आपस में जानते सब कुछ है, सारे आदमी सब जागरूक है, हर आदमी को पता है पोल्यूशन क्या होता है और डस्ट क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, लेकिन वो कहाँ से पैदा होता है वो हम सबको जानते हुए भी हम उसको आगे करना नहीं चाहते। ये एक हमारी पहल है, हम कोई पूरे भिवाड़ी को साफ तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी एक पहल है जागरूकता लाने में लोगों में, ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग खुद जो कचरा फेंकते हैं वो कचरा ना फेंके। जैसे हमारे में भी एक कहावत है ना, निज पर शासन फिर अनुशासन, जब हम अगर शासन में रहेंगे तो ये कचरा वहाँ तक फैलेगा ही नहीं। तो हमारी ये पहल, इसलिए हम ऐसे स्पॉट ही चूज़ करेंगे, हर संडे का हमारा प्रोग्राम है ऐसा और जो हमने डिस्कस किया है, ऐसी जगह ऐसे स्पॉट हम चूज़ करेंगे जो कि बहुत दिनों तक ऐसे ही रहा है और वो मुद्दा बन के ही रह जाता है, उसमें धरातल पे कोई काम नहीं होता है। और नगर परिषद का भी हमारे को अच्छा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नगर परिषद नहीं है। आज होली से पहले तक बहुत बढ़िया साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही थी, उसके बाद टेंडर वेंडर हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लैप्स हुई है अभी, और साफ़ सफाई में लोगों में भी आक्रोश है कि भी नगर परिषद नहीं कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आपको साफ़ सफाई की एरिया भी दिख जाएगी और कुछ जो काम है वो भी आपको और नज़र आने लग जाएंगे। तो समस्याएं सब जगह होती है, अपने घरों में भी समस्या होती है, तो सरकार के पास भी कोई समस्या है, नगर परिषद के पास भी समस्या है, तो हम एक दूसरे को ब्लेम ना करके और हम खुद इस काम में अगर लग जाएं, इतनी भिवाड़ी में संस्थाएं हैं, अगर एक दिन हम 15 दिन तक एक एक संस्था पकड़ लें तो 15 दिन में आपको साफ नज़र आ जाएगा भिवाड़ी के अंदर, लोगों में जागरूकता आ जाएगी कि भाई ये कर सकते हैं तो हम इस गंदगी क्यों करें, हम भी तरीके से अपना काम करें, इसको टिपर में फेंकना है या अपने को डस्टबिन में डालना है, तो अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो हमारे को पता ये है और मैं श्योर हूँ कि ऐसा अभियान चलाने की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही मारवाड़ी समाज, हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर में आगे रहा है और कोविड के अंदर भी हमने बहुत सारे काम किए, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे मिस्टर सुभाष व्यास, उसने कोविड के अंदर में बहुत अच्छा और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मारवाड़ी समाज हमेशा तत्पर रहता है इन कामों के लिए। और अब नाटा फाउंडेशन आया है, वो भी इस कामों में जुड़ा है, मैं भी एक मारवाड़ी समाज के साथ मैं एक मेंबर भी हूँ उसका,
और मैं मारवाड़ी समाज का अध्यक्ष और नाहटा फाउंडेशन का मेंबर होने के नाते मैं सभी संस्थाओं को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ व्हाट्सअप और सोशल मीडिया में ना रहे, धरातल पे आके एक दिन दो घंटा अगर अपने शहर को दे दें तो मेरे हिसाब से इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और शहर साफ़ सुथरा होते हुए आपको मतलब कम दिनों में ही नज़र आ जाएगा। फिर ये जो मुद्दा है जो बार बार हम इसी को लेके व्हाट्सएप में चलते रहते, तो ये मुद्दा ख़त्म होके और हम और दूसरे मुद्दे पे आगे बढ़े। जैसे आज आप साफ़ सफाई की है और साफ़ सुथरा हो भी गया है, तो इसकी कोई जिम्मेवारी लगाइए कि दोबारा गंदगी ना फैले। देखिए ये मेरी कल भी यहाँ के जो पार्षद है नीरज जी से भी बात हुई है और वीरपाल जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी ये बहुत सराहनीय काम किया, उनके भी कंट्रीब्यूशन बहुत है। मेरे साथ ही हैं मेरे भाई दोनों, खुद सुबह से वो भी लगे हुए हैं सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है हमारे को कि भाई एक बार हो जाए तो उसके बाद हम टाइट करेंगे चीज़ों को कि भाई आगे ऐसी नौबत ना आए। और दूसरे मैंने यहाँ संस्थाओं में भी हम लोगों ने कल पैम्पलेट भी बांटे थे पूरे सेंट्रल मार्केट में ताकि उनमें भी जागरूकता आए। बगल में हमारी हॉस्पिटल्स है, अभी हमारे को कचरा जो नज़र आ रहा है मैक्सिमम जो अगर हम रेशियो में डिवाइड करें तो 30-35% कचरा हॉस्पिटलों का है, तो मैं हॉस्पिटल एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये कचरा जो आपके तो अंदर में साफ लाइसेंस ही आपको जब मिलता है कि बायोकेमिकल और ये सब अलग वेस्टेज आपको अलग करना होता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ देखा है यार इसमें सीरेंज कई चीज़ें पड़ी है यहाँ पे, तो देट मीन्स वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपनी ड्यूटी आप भी निभाएं। और डॉक्टर साहब ने जैसे हमारे भारत अल्ट्रासाउंड इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे से हम अपनी एसोसिएशन में उठाएंगे ये मुद्दा और आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, और इंटरलॉकिंग टाइल का भी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इधर तक हम आधा रास्ता हम इंटरलॉकिंग टाइल कर देंगे, लेकिन हम फिर सभी समाज के लोग सारे हाथ जोड़ कर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब इतनी कर रहे हैं तो उसको आगे तक भी वो थोड़ा सा विचार करके आगे तक कर दे ताकि ये जगह साफ़ सुथरी हो जाए। हम साथ में सफाई के अलावा हम प्लांट्स भी लगा रहे हैं यहाँ पे, नाहटा फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि नाहटा फाउंडेशन भी प्लांट्स लगा रहा है इसमें, और डॉक्टर साहब का ही बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं कि उन्होंने एक मिनट में हमारे कहने से ही उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली कि मैं आगे तक इंटरलॉकिंग टाइल लगा दिया। मैं हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट करूँ डॉक्टर साहब को थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए ताकि ये एरिया पूरी हमारी कवर हो जाए, तो बाकी डॉक्टर साहब भी हमारे फुल सपोर्ट में है और ये भी हमारे मारवाड़ी समाज के वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं और ये इन चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रुप चला रखा है ग्रीन एंड क्लीन भिवाड़ी का लोगों को जागरूकता करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि कई आदमी होते हैं बस वो ग्रुपों में रह जाते हैं। आज डॉक्टर साहब ने हमारा ये सहयोग करके ये ग्रुप में मैसेज डाला है कि जागरूकता आएगी जब हम खुद स्वयं, आज डॉक्टर साहब ने खुद ने स्वयं ने झाड़ू उठाया तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू सर। देख रहे हैं कि आपने भी ग्रुप बनाए रखा है ग्रीन क्लीन भिवाड़ी का और लगातार सेंट्रल मार्केट की कूड़ा जो पड़ा रहता है उसको उठाते रहते हैं मुद्दे पर, तो आज जो क्लीन हो गया है साफ सुथरा हो गया है, तो क्या मानते हैं किस तरह से इसको आने वाले समय में मेंटेन करेंगे ताकि दोबारा कूड़ा नहीं फैले यहाँ पे? भिवाड़ी के अंदर ये जो सफाई की जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह का ग्रुप बनाया था जिससे कि सब लोग इसके लिए जागरूक हों और एक सारी संस्थाएँ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और सबका लक्ष्य एक हो, और आज बहुत दिनों से ये चर्चाएं हो रही थी, विचार हो रहे थे किस तरह से साफ़ किया जाए, लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे थे, नगर परिषद का भी कोऑपरेशन का सबका उम्मीद यही जताई जा रही थी कि भी अगर उनका कोऑपरेशन पूरा मिल जाएगा तो हम सब लोग एक अभियान शुरू करेंगे, और आज एक जन जागरण अभियान जो कल शुरू किया गया है मारवाड़ी फाउंडेशन एवं नाहटा फाउंडेशन एवं ग्रीन एंड क्लीन भिवाड़ी के द्वारा और रेडियो FM 24 और टीवी के द्वारा, उससे क्या है कि आज सुबह कम से कम यहाँ 100-200 लोग कार्यकर्ता जो मारवाड़ी समाज के हैं वो सब आए और उन्होंने खुद झाड़ू लेकर ये बीड़ा उठाया और नगर परिषद का सहयोग लेते हुए और यहाँ पर सफाई अभियान किया और अब लगभग काफ़ी साफ कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो देखा गया था कि कुछ स्वीपर्स जो हैं कहीं कहीं से जो कचरा लेकर आते हैं हो सकता है उसमें कोई हॉस्पिटल भी हो, पर ज़्यादातर हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल वाले को ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे अनरजिस्टर्ड छोटे छोटे क्लिनिक्स भी हैं जिनके यहाँ भी बहुत सारी सिरिंजेस निकलती हैं, बहुत इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, कई मेडिकल स्टोर का भी प्लास्टिक वेस्ट इंजेक्शंस का वेस्ट है, वो भी हो सकता है कि वो यहाँ पर डाल दें, तो सारी जिम्मेदारी केवल रजिस्टर्ड नर्सिंग होम्स की नहीं है। हालांकि एसोसिएशन के बिहाफ पे अगर कहीं कोई लापरवाही बायोमेडिकल वेस्ट वाले की रहती है तो वो भी संज्ञान में ली जाएगी, कई बार हो सकता है कि वो समय पर नहीं आता हो
और कोई स्वीपर इस तरह का कुछ करता हुआ, हालांकि सब लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके फिर उसको, चाहे वो दो दिन में आए तीन दिन में आए, उसका मेडिकल वेस्ट क्वालिफाइड पर्सन यहाँ बिल्कुल नहीं फेंकता है। और मैं आश्वासन भी देता हूँ उसके संस्था की तरफ से भी, IMA की तरफ से, कि वो भी एक जन जागरूकता अभियान चलाएगी और जो फूड के और इनके काउंटर्स हैं जहाँ पे ख़ास तौर पर के वो लोग ज़्यादा प्लास्टिक का वेस्ट यहाँ पर फेंक जाते हैं, और आगे मेंटेनेंस के लिए तो देखो सभी के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब लोग जागरूक होंगे तभी वो अपने वेट और ड्राई वेस्ट को अलग करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेट वेस्ट का सॉल्यूशन हो जाए तो 50% कचरा तो वैसे ही कम हो जाएगा। ड्राई और वेट को अलग करना बहुत ज़रूरी है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट डंपिंग ग्राउंड में भी होना चाहिए। ये सारी टीम वहाँ पर भी जाकर थोड़ा देखेगी भाई किस तरह से वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है, और इंदौर शहर जैसे बिल्कुल क्लीन हुआ है तो उसके तर्ज के ऊपर अगर यहाँ भी भिवाड़ी में भी किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छे नतीजे आएंगे। और मैं पूरा आशान्वित हूँ और मुझे पूरी शुभकामनाएं हैं यहाँ के सभी लोगों के साथ कि भाई अगर ये साफ़ सुथरा हो जाएगा तो हम कह सकेंगे, गर्व से कह सकेंगे, जो अभी भिवाड़ी सबसे गंदा शहर पूरी दुनिया में माना जा रहा है वो एक सबसे साफ शहर बनते हुए हम अपनी आँखों से उस सपने को पूरा होते देखें। धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हम पुनीत, टोटल केयर सॉल्यूशंस। हाँ, तो आपकी टीम ने भी साफ सफाई काफी अच्छा सहयोग दिया है, तो क्या मानते हैं आपको किस तरह से भिवाड़ी को साफ सुथरा अपन रख सकते हैं? प्रदूषण में नंबर वन है हम दुनिया में। हाँ, तो हम यहाँ के जब घर बना के रह रहे हैं तो चाहेंगे कि कम से कम जीने के लिए हवा तो शुद्ध मिले, रहने के लिए जगह साफ हो, उसमें हम जितना भी अपना योगदान दे सकते हम उसमें हमेशा तैयार हैं। भिवाड़ी जैसे नाटा फाउंडेशन, मारवाड़ी सभा, जिन्होंने आज कोई एक्टिविटी करी, हम टोटल केयर सॉल्यूशन जरूरत है, हम वहाँ पे हैं। ठीक, तो आगे भी लगे रहेंगे साफ सफाई में। थैंक यू।